आज ही के दिन कैप्टन तुषार महाजन श्रीनगर में शहीद हुए और आज उनको श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कैप्टन तुषार श्रीनगर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। कैप्टन तुषार उधमपुर के रहने वाले थे और बचपन से ही उन्हें एक सिपाही बनने की चाह थी। बाल्यकाल में वह सेना में शामिल होने और आतंकवादियों को मारकर देश को अपना जीवन समर्पित करने का सपना देखा करते थे। नौ पैरा एसएफ के कैप्टन तुषार महाजन कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में ईडीआई भवन में आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए दो सेना के कप्तानों में से एक थे। आज उनके शौर्य स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। सेना के जवानों और पुलिस के जवानों ने भी इस श्रद्धांजलि में भाग लिया और नम आंखों से उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। माता पिता ने भी नम आंखों से अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि उनके पिता का कहना है कि अगर वो हमारा एक मारेंगे तो उनके चार मारेंगे। ये दुश्मन के लिए चेतावनी थी एक अमर बेटे के पिता की। उनका कहना था कि दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाना चाहिए और वह दुआ करते हैं कि हमारा बेटा तो अमर हो गया है, लेकिन फिर किसी माँ का बेटा, बहन का भाई, पत्नी का पति और बच्चे का पिता शहीद ना हो। कैप्टन तुषार सारे भारतवासियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। एक्चुअली डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे। वो एक मारेंगे, हम दो मारेंगे। ऑफेंसिव हमारा अप्रोच नहीं है, वही सबसे बड़ी कमी है, इसलिए ज़्यादा शहीद होते जा रहे हैं। क्योंकि इतने जो ऑफिसर्स को खोना या इतने जवान को खोना देश के लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऑफिसर बड़ी मुश्किल से पैदा होता है और फिर कुछ ना कुछ तो हमें इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव वे से इसको ट्रीट करें, नहीं तो यही हाल चलता रहेगा। इससे ये नहीं होगा कि हम एक एक मारा, हमने दो मार दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमें चाहिए कि उसे छठी का दूध पिलाया जाए। बिल्कुल जरूरत है, इतना जवाब देना चाहिए कि द्वारा वो इस तरफ देख भी ना सके हमारे मुल्क की तरफ। हमने तो बच्चे खोए हैं, जब वो तो ने खोया है और हमने भी खोया है, लेकिन आगे माओ के लाल ना जाएं, बहनों का भाई ना जाए, इनकी औरतों की सुहाग ना जाए, बच्चों के माँ बाप ना जाएं, इस बात को ध्यान में रखें।